दुनिया से यह मांग करता कि मेरी सलीब मेरे कंधे पर रखकर मुझे बाजारों से गुजारो। मैं तो सिर्फ इस शमशाद जान का बेटा गुलजार हूं और मैं इकरार करता हूं कि मैंने अपने बहन पुखराज का कत्ल किया है। इसलिए कत्ल किया है कि वो मेरी बहन थी और मैं इसे प्यार करता था, उसे तवायफ कहलाने के जुल्म से बचाना चाहता था। मैं अपनी माँ शमशाद जान को इस जुल्म से नहीं बचा पाया क्योंकि मेरे पैदाइश से पहले ही अपने कोठे की कब्र में दफन की जा चुकी थी। योर ऑनर, मैं मोहम्मद गुलजार बी ए बीटी उस शमशाद जान की पहली बगावत हूं जो मेरी माँ भी है। मेरे पैदाइश से 8 महीने पहले मेरी नानी पन्ना जान ने मेरी कत्ल की साजिश शुरू की, तो उस साजिश में मेरी माँ ने शरीक होने से इनकार कर दिया। इसलिए मेरी कहानी मेरी पैदाइश से पहले शुरू होती है। योर ऑनर, तब मेरी माँ ऐसी नहीं थी, गाजीपुर में उनके हुस्न का चर्चा था। उन्होंने एक छोटा सा शहर इन आंखों में समाने को जैसे तैयार बैठा हुआ था। अरे हे प्यारी नन दैया सरो तक कहा भूलिया, प्यारी नन दैया सरोता छोड़ा गुरु। ई बतावा इस सिमसिम का दरवाजा कब खुली है? जब अली बाबा आई हैं चूना लगाए के। अली बाबा? अरे खान साहेब, अरे आदमी थोड़ी न है, गोदरेज कंपनी है, हर अच्छा ताला पे उन्हीं का तो छाप है। अरे भैया तब तक हम लोग क्या करें? पहलवान जी काबू में रहो, काबू में रहो, समझो। अरे कुछ दिन ठंडाई वंडाई घोट के पी जाओ, तुम्हारा पर लंबर लगी है। यहाँ देखो, देखो यहाँ अशरफ अली मदहोश रजदयपुरी खुद बेहोश होके खड़े हैं। अरे शमशाद जान की तारीफ में दीवान लिखते लिखते दीवानगी की हद में धस गए चूना लगाए के। देखो गायब, और काहे गायब न हो? अरे सच पूछो भैया, तो शमशाद जान पे जो जबानी आई है ना, ऐसे के जैसे रात की रानी। अरे रात की रानी भी ऐसे भैया जो बासी होने के बाद भी बरसों में के है। ताकत है, दिन तारीख मुकर्रर हो गई। काहे के भैया? अरे खान साहब की नमक की पुड़िया आ रही है, छतरी में चूना लगाए के। बालाजी पंडित जी, बालाजी पान खा रहे बाबूजी? अरे तो आप भी खा लो ना पान चूना लगाए के। क्या पान खाए जब अहमद हुसैन दिलदार हुसैन के तमखे नहीं तेरे पास? पंडित जी कनी खान साहब से कहो ना कि जल्दी न तो उतारे। अरे भाई खिड़की खुले तो हमारा भी धंधा चले। जूता पत्थल उठाए के वास्ते हम खड़े हैं। हमारा दम सलामत रहे, सारे बाजार के धंधा चलवा देंगे यार। अरे देखो सुखरे कैसे हप हप आए रहे हैं, कुत्तन की तरह चूना लगाए के। तो साहब ये शहर बचे। अरे हाँ, अरे भाई जुम्मन मियाँ, अरे जल्दी आओ भाई। जी हुजूर। कुछ सुना तुमने? क्या कह रहे हैं? राम नारायण जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि इस दफा तुमने कलेक्टर साहब के पास आमों की डाली नहीं पहुंचाई। पहुंची कैसे नहीं हुजूर, हम अपने हाथ से लेके आए रहे। सरकार मुझसे तो बहादुर शाह ने कहा। अच्छा, कलेक्टर साहब खुद फरमा रहे थे कि हैरत है इस साल खान साहब के हाथ से डाली नहीं आई। हमारा राम नारायण जी, जरा ये तो सोचिए कि वाटसन साहब कहाँ इतनी मुश्किल उर्दू बोलते होंगे। ये तो कुछ बहादुर शाह का हरामीपन होगा। ठीक है तुम जाओ, आप इधर आइए।
खैर छोड़िए इन बातों, आप तो ये बताइए कि पन्ना ने क्या कहा? यार कहना क्या, आपका नाम लेने से पहले और आपका नाम लेने के बाद साथ साथ बलैया लेने लगी सरकार। और सरकार जब से आपने सरे बाजार पुत्तन बाई की नाक कटवा दी, तब से तो जब भी किसी कोठे पर लड़की जवान होती है बाजार में सन्नाटा हो जाता है। अरे खिड़की की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। तो वही पूछ रही थी पन्ना कि शमशाद को नथ कब पहनाई जाए। यानी वो जो मीर बाकर अली के बड़े तनतने थे कि लाओ लश्कर के साथ ना रहे हैं, वो सब क्या फजूल थे? सरकार कहां राजा भोज और कहां गंगा तेली। अरे भाई बासी करी में उबाल आ गया होगा। सरकार शमशाद आप ही के लिए जवान हुई है। अरे साहब वो एक जमाना था जब रईस लोग आया करते थे इस कोठे पर, 100 रुपए से कम का नोट निछावर नहीं करते थे। अब ये दुकानदार लोग आ गए हैं, 2 रुपए मुश्किल से निकाले हैं ये लोग। जश्न रहमत ओरिएंटल कॉलेज में शानदार ऑल इंडिया मुशायरा, हजरत जिगर मुरादाबादी, हजरत तिलक चंद महरूम, हजरत छबी लखनवी, हजरत मजाज लखनवी और पंडित अरे तिरछी नजर से न देखो आशिक दिलगीर को। अरे कैसे तीर अंदाज हो, सीधा तो कर लो तीर को। तीर को ढेर सा सीधा मत करवाओ केला, कहीं जगह भी जगह घुस गया तो परेशानी हो जाएगी। अरे परेशानी हो जाए तो होन दो, तीर छोड़ के तो देखो, तीर न सही तुक्का सही। अरे तुक्का पे याद आएगा। अरे जनाब अशरफ अली मदहोश रजदपुरी साहब हुआ, जब से ही नथनिया का चांद निकला है ना, अरे सुसरी खड़ी दुपहरिया भी, अरे चांदनी रात लागत है, इसी लागत पे कोई लग्गी लगाए दो, कोई चकाचक फेर कर दो। हाँ भाई मधु साहब हो जाए, हाँ हो जाए। उठ के इस कूचे से अल्लाह के घर जाएंगे। आज हम कभी जा ही रहे हो तो भैया आवाज उठा के जाओ ना। हाँ, उठाए के जाओ। फर्ज है। हाँ? उठ के इस कूचे से अल्लाह के घर जाएंगे। हम तो शमशाद तले हाय बैठेंगे, मर जाएंगे। काहे का फेर है, वहाँ गजल ही गायब हो गई। अरे चांद बदली में छुपकावा, अब अंधेरे में खड़े रहो कलम हाथ में लेके, फान के बैठे निकालो। चूना लगाए के और का सलाम। हजार बरस सलामत रहो। कुछ खर्चन खर्चन के उम्मीदवार हम भी हैं। क्या देर है सरकार के आने में? बताने तो आया हूँ, आज की तैयारी में हकीम शमशुल हक साहब के माजून के 2-3 खुराक एक साथ डकार गए। तबीयत जरा खराब हो गई है, इसलिए कल आया है कि आज नहीं कल शायद आएंगे। क्या जी? मैं यहाँ से सीधे सिविल सर्जन साहब को लेकर कोठी भागूंगा, आप समझ गए ना? कल कल जी। अल्लाह समझे इस नामुराद से, कैसे पहले ही दिन मेरी बच्ची को खराब कर दिया खान साहब ने, बीमार पड़ गए। आज के ही दिन बीमार पड़ना था उसे। अब खड़े खड़े हो क्या मुझे देख रही? चल जा अंदर। मियां खान साहब, उस्ताद कल 2.5 सिर छोटे का गोश्त खरीद के बच्ची के सर से सबका उतार दें। जी हाँ भाई। क्या है? एक बहुत बड़े रईस आदमी आए हैं, पंडित आनंद नारायण जुत्सी, इलाहाबाद के बहुत बड़े वकील और शायर भी हैं, मुजरा सुनने आए हैं। आधा घर से आधा घर से आइए आइए, तशरीफ लाइए। मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, यहाँ आया था एक मुशायरे में शिरकत करने। सही नसीब, मेरी गाड़ी 2:30 बजे है तो मैंने सोचा। अरे अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, आइए आइए। यहाँ तशरीफ रखिए। दीजिए शौक फरमाइए, मैं अभी हाजिर होती हूँ। बेटा
आप तो ये गहने मत उतार। अल्लाह हम पर बहुत मेहरबान है, उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा आसामी भेजा है। जल्दी कर। क्या बात है, ये सब कुछ करना बहुत जरूरी है क्या? ये रस्म, ये मैं समझी नहीं बेटा। अम्मा, हम औरों की तरह क्यों नहीं जी सकते हैं? शादी करके घर बसा के इज्जत वालों की तरह। मैं समझ गई, तो ये मुई इज्जत की चुड़ैल तुम्हारे कंधों पर भी नाचने लगी है। बेटा, तुम्हारी नानी एक कवायद थी, तुम्हारी माँ एक कवायद है, और तुम सर से लेके पांव तक तवायफ हो और रहोगी। चांद को छूने की कोशिश मत करना बेटा। चली चल, चलो। मैं कह रही हूं, यह है मेरी बेटी शमशाद, बड़ी मेहनत से तैयार किया है मैंने इसे। बेटा सलाम करो इन्हें। क्या सुनेंगे सरकार? जो मर्जी। शुरू। Thank you.
हुजूर, अभी तो आपकी गाड़ी में देर है, आप कुछ और सुनेंगे या थोड़ी देर आराम फरमाएंगे? सोचता हूँ आराम ही कर लो थोड़ी देर। बेटा, सरकार को अंदर ले चलो। मिया, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। डरने की क्या बात है भाई? खान साहब को पता चल गया तो? कैसे पता चलेगा, ये तो बाहर का आदमी है, डेढ़ दो घंटे में चला जाएगा। फिर खान साहब के फरिश्तों को भी पता नहीं चलेगा। हाँ, तुम मीठी हो शहद की तरह। जिंदगी में इतना अच्छा मैंने किसी को नहीं देखा, सच। लेकिन भगवान ने तुम्हें यहाँ इस गंदी जगह पर इस जहन्नम में कैसे भेज दिया? कैसे भेज दिया गुनाहों की इस चक्की में पिसने के लिए? क्या उस वक्त तक जब तक ये जिंदगी है तुम्हारी, अब मुझे वापस जाना है, ट्रेन पकड़नी है, शायद फिर कभी मुलाकात ही ना हो हमारी। लेकिन मैं तुम्हें भुला नहीं सकूंगा। खुदा हाफिज। तुम मीठी हो शहद की तरह। जिंदगी में इतना अच्छा मैंने किसी को नहीं देखा, सच। लेकिन भगवान ने तुम्हें यहाँ इस गंदी जगह पर इस जहन्नम में कैसे भेज दिया? अरे शमशाद, तुम ये नच क्यों कर रही हो? लेकिन अम्मा ये आखिर तुम्हारी दुनियादारी कब समझोगी? पहने रहो इसे बेटा। अरे ओ नसीबा, अरे ओ नसीबा, का हो? गाजर का हलवा बना दो खान साहब के लिए। मुआ, खर्चे का डमरी ने और छूसे का गाजर का हलवा। भाई, अरे हाँ बाबू, खान साहब आ रहे हैं ना आज? नहीं भाई, आज भी नहीं आ सकेंगे, वो तबीयत ढेर खराब हो गई। क्यों? आप तो कह रहे थे कि वो सिविल को। अरे जब खुदा नाराज हो तो कोई का बाप भी कुछ नहीं कर सकता है। चलते हैं, आज हकीम शमशुद्दीन साहब को लेके जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। पान खाएंगे? जी नहीं। अच्छा, फिर सा बीमार है, हरामी, मरता भी नहीं। पर अल्लाह, क्या शायद मुझे कुछ और ही मंजूर था? तब तक किसी को पता नहीं चला कि मैं अपनी माँ के पेट में छिपा छिपाए सब तमाशा देख रहा हूँ, और जब पता चला तो। नहीं मानोगे मेरी बात? मैंने कहा था उनसे रुपए लेने के लिए, मुझे एक जिंदगी को खत्म करने का कोई हक नहीं है, ये गुनाह है। अरे 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 अरे, ये क्या कर रही हो भाई? रो रही हूँ, अपनी छोटी किस्मत को रो रही हूँ। अब इस शहनामे को इज्जत आ जाएगी क्या? मेरी ये राय है कि दो चार बरस के वास्ते बनारस, इलाहाबाद, कानपुर कहीं भी चले जाओ, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और आमदनी भी ज्यादा हो जाएगी। बाकी भाई जो कुछ ठीक समझे। Oh,
अल्लाह ने इसकी मांग को पूरा कर दे परवरदिगार इसकी हर बयान आ दे इसकी उस सपने में काम हो जाएगा ना। कैसी बातें करती हो, ये जलाली तावीज है, आज तक इस तावीज से किसी की मुराद खाली नहीं गई है, मगर शमशाद पर बल्कि दिन का असर है, उसके लिए मुझे चिल्ला करना पड़ेगा और उसके सत्ते में तुम्हें चार सफेद मूल, चार तोला सोना, चार तोला जाफरान, चार तोला मुश्क और चार गज लालटेन छाप का पूरा। ये सब चीजें मैं कल सुबह भिजवा दूंगी, लेकिन कुछ ऐसी दुआ पड़ी है कि चांद जैसी लड़की पैदा हो जाए। पर उल्टी हो गई सब तस्वीरें, मेरी माँ की यहाँ बेटी की जगह बेटा पैदा हो गया, यानी मैं, मेरी माँ को मेरे पास आने की इजाजत नहीं थी, मैं एक बूढ़ी नौकरानी के हवाले कर दिया गया था, लेकिन ऑनर चार साल के किसी बच्चे के लिए अपनी माँ के प्यार के इंतजार में भी कई रातें जागने इतना आसान नहीं होता।
कोशिश की तो सारे चीजें रख दूंगी। बदतमीज बेहुदा। इतनी बार मना किया कि ऊपर ना जाया था। हाय अल्लाह, इस बेचारे का तो अल्लाह ही वाली। हम जब बड़े होके अपना घर बनाएंगे तो नन्ना को ना रखेंगे अपने साथ। क्यों? लेबर मारती है। उनको तो मारे की आदत पड़ गई है। अच्छा, हम एक अलग से कोठी बनवा देंगे नन्ना के वास्ते, बाकी अपने कमरे में ना आए देंगे। कल तेरी सालगिरह है ना, कल होगी अम्मा से बताएं। हाँ, एक तो अब्बा मिल सकते हैं। अम्मा तुझे कम चाहती है का, कि अब्बा की जरूरत पड़ गई? हमें चाहिए तो अब्बा। अच्छा बोलो, कैसा अब्बा चाहिए? मलाई बर्फ वाले गोकुलचंद जैसा? हमें ओकी मुंह से डर लगता है। अच्छा, मौली साहब? नहीं, वो तो बहुत दुबले। अच्छा सो जाओ, अम्मा को नींद आ रही है। नींद आती कहाँ से? अल्लाह मियाँ के पास से। क्या अल्लाह मियाँ के पास बहुत नींद है? उनके पास हर चीज है। हर चीज? हाँ। तो उनके पास अब्बा भी होंगे। हम कल उनको एक खत लिखेंगे। बेटा सो जा। कहाँ है? मेरा खत डाला। केको लिखे हो? अल्लाह मियाँ को। अच्छा, कहाँ लिखे हो, जरा पढ़ो। अल्लाह मियाँ को मालूम है कि हमारे पास एक भी अब्बा ना है, जल्दी से दो चार ठो अब्बा भेज दीजिए। ऑर्डर, ऑर्डर। मैं ये बातें इतनी तफसील से इसलिए बता रही हूँ ऑनर कि आपको यकीन आ जाए कि मैं पागल नहीं हूँ। मेरी माँ और मेरा वकील ये साबित करना चाहते हैं ताकि मैं अपनी बहन पुखराज की कत्ल की सजा से बचाया जा सकूं, लेकिन मैं इस सजा से बचने ही नहीं चाहता। मेरा जुर्म यह नहीं कि मैंने पुखराज का कत्ल किया है, मेरा जुर्म यह है कि मैंने एक तबाह के घर में जन्म लिया है। मेरी जिंदगी मेरी पैदाइश की सजा है। 28 बरस मैं इस सजा काट चुका हूं। पिताजी क्या बताऊं, उस गुजार का बयान सुनते सुनते ये लगने लगा है जैसे मुझे वो नहीं हम हैं, और वह हमें अपना फैसला सुनाया जा रहा है। कुछ भी हो बेटा, किसी को भी यह हक नहीं पहुंचता कि वो कानून अपने हाथ में ले ले और किसी को कत्ल कर दे। पिताजी, मैंने हमेशा आपके आदर्शों और आपके फैसलों को माना है, लेकिन गुजार ने क्या बुरा किया है? उसने अपनी मां और अपनी बहन को इज्जत दिलाने की तो कोशिश की है। अगर गुजार की जगह आप होते तो क्या करते? देखो बेटा, तुम जिस कुर्सी पे बैठे हो वो इंसाफ की कुर्सी है। अगर दिल कमजोर करोगे तो कभी इंसाफ नहीं कर सकोगे। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं। मैंने सोचा है कल ही ये केस सेशन के सुपुर्द कर दूं। सरकार बनाम गुलजार, मैं मुसम्मात शमशाद जान हाजिर है। जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। आपका नाम?
शमशाद। बाप का नाम? हमारे घरों में माँ का नाम चलता है वकील साहब। हमारी दुनिया में बाप होते ही नहीं। मैं पन्ना बाई की बेटी हूँ। ये गुलजार, जिस पर कत्ल का इल्जाम है, मेरा बेटा है। मुल्जिम गुलजार से यही तो एक चूक हुई कि मेरे घर में पैदा होने के बावजूद वो बचपन से ही मेरे पास एक बाप मांगता चला आ रहा था। मैं कहां से देती इसे कोई बाप? अगर आपका बेटा आपसे बाप मांग ही रहा था तो आपने क्यों नहीं दिया? बाप क्या बाजार में बिकता है वकील साहब। पर मेरे दिल में एक कसक रही कि गुलजार को एक बाप मिल जाता तो अच्छा होता। वो जब थोड़ा बड़ा हुआ और अम्मा को फिर काजीपुर याद आया तो रास्ते में यही सोच के आई कि काजीपुर में शायद उसे एक बाप मिल जाए। 6 साल बाद आने वाली काजीपुर की वो रात, उस रात मेरे कोठे पर वो आया जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहती। आप क्यों उसका नाम नहीं लेना चाहती? क्योंकि वो इस शहर का एक इज्जतदार आदमी है। उसके जाने के बाद मैं अम्मा की निगाह बचाकर गुलजार के पास गई। आज हम अब्बा खोज लिए तो रिवाज। कौन है? अब्बा है और कौन है? तो है आम खाने से मतलब की कुटली गिनने से। अब हम एक घर में नहीं रहेंगे, तुरे अब्बा के घर में उठ चलेंगे। बहुत बड़ा घर है उनका। अम्मा बस 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 कहाँ लिए जा रहे हो? पता नहीं। अरे ओ कलन मिया, जल्दी दरवाजा खोलो। तेरे बच्चे को उतार देना। जी आइए मिया, आइए। भाई आप तो अपनी अम्मा के पास जाइए और हम सामान लेके आते हैं। अम्मा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी उतारो ना। सामान रख दिया है, आप जरा देख लीजिएगा। हमारा दरवाजा बंद कर लो, मियाँ जरा देर से आएंगे। चलो बेटा। आपको बता दे रहा, देखते देखते बच्चा भी सो गया। अरे भाई तुम तो जानती हो जिम्मेदारी के चीजें। अरे भाई कलेक्टर साहब के यहाँ जरा देर हो गई थी। लाइए खाना गर्म कर लो। आज तो तुम्हें आंखों से खाने की रात है शमशान। क्या करे, बच्चा जाग गया तो हम तो जाग भी गए। आप हमारे अब्बा हैं। आज हम बहुत थक गए हैं। तो अंदर चक्कर ले जाइए ना, बिस्तर बिछा दिया है। हाँ चलिए। नहीं तुम बकबक बहुत करते हो, अब्बा थके हुए हैं, आज तुम यही सो रहो।
ये क्या शर्मा रही? हाँ, अपने आप से। एक बात पूछूं? अगर गुलजार आपको अब्बा कहेगा तो आपसे डांटेंगे मारेंगे तो नहीं? डांटेंगे मारेंगे? अमा क्या हमें किसी दीवाने कुत्ते ने काटा है? अगर गुलजार तुम्हारा बेटा है तो हमारा भी है, हम उसे जायदाद में अपना वारिस बनाएंगे। कल ही वकील साहब से कह देते हैं कि वसीयत नामा तब्दील कर देना। हाय अल्लाह, वसीयत लिखे आपके दुश्मन, गुलजार के लिए आपका प्यारी भात है। तुम इस दुनिया को नहीं जानती हो शमशाद, हमने 15 साल तक अब्बा मरहूम की जायदाद के लिए अपने भाइयों से मुकदमा लड़ा है और उसी में तबाह बर्बाद हो गए हैं। वरना तुम क्या समझती हो, क्या ये घर हमारी बीवी के रहने के लायक है? अरे आपने क्या मुझे इस घर में ला रखा है, मैं तो अब तक इस मुकालते में थी कि आपके दिल में हूँ। अरे भाई, दिल में आजकल काम लगा हुआ है ना, रंग रोगन साफ सफाई हो रही है ताकि वो तुम्हारे काबिल हो जाए। अरे ये क्या है? मेरे जेवर। कमाल करती हो, हमने तो तुम्हें मना किया था कि जेवर एवर लाने की कोई जरूरत नहीं। वाह, मेरे जेवर से क्यों ना लाती? शमशा, क्या ये घर इस काबिल है कि यहाँ ऐसे कीमती जेवरात रखे जाए? बेहतर है कि हम इसे कोठी में ले जाकर सेफ में रख लेते हैं। जो आपका जी चाहे। अच्छा तो हम चलते हैं। इतनी जल्दी? लेकिन अभी तो। अरे भाई, सुबह की नमाज कोठी की मस्जिद में पढ़नी पड़ती है। और हाँ, कल रात का खाना हम यहीं खाएंगे। गुलजार की तालीम वगैरह के मुतालिक भी तो बातें करनी है ना। अच्छा, खुदा। हमें अकेले नींद नहीं आती, तुम हमें नन्ना के पास भेज दो। नहीं बेटा, सो जा। ये अब्बा हमें अच्छे ना लगे। ऐसे नहीं बोलते, तुम तो बहुत अच्छे हो। वो घर भी अच्छा नहीं है। ठीक है, जब तुम बड़े हो जाओगे और बड़ा सा मकान बनाओगे तो हम ये घर को छोड़ देंगे। हम बड़े कब होंगे अम्मा? अल्लाह मियां को मालूम हो के क्या हम लोग खेल जाते हैं, वहाँ भी खैरियत होगी। हमको जल्दी बड़ा कर दीजिए, हमें अम्मा के वास्ते घर बनवाए को है। कल बता रही थी क्या थोड़े दिनों में इसको भाई या बहन मिलेगी, वो हमें भाई साहब पुकारेगी। अम्मा को न दिखाओगे घर? अच्छा दूर से ही दिखा दो। नाम दिख रहे हैं। अब्बा आए ना, चल जाकर देखो। अब्बा को ना दिखलाना हमारा। अच्छा अब नहीं दिखाएंगे, भागो। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ये तुम्हारे पेट की मालिश वगैरह करेगी, कुछ दवाई पिलाएगी। बात यह है कि ये इस मामले में बहुत तजुर्बेकार औरत है। इस तरह क्यों देख रही है? और कैसे देखूं? आप मेरे बच्चे को क्या, आप तो गुलजार के नाम वसीयत करने वाले थे। अच्छा तो गया तुमने हमसे शादी हमारी दौलत की वजह से। ये तो वही कहावत है कि कुत्ते की दुम को 12 बरस नलकी में रखा लेकिन फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी। अरे तवायफ की कसलत थोड़ी बदल सकती है। तवायफ? मैं तवायफ नहीं, आपकी बीवी हूँ। ये बच्चा आपका है। क्या पता किसका है। तो आप ये कहना चाहते हैं ये बच्चा आपका नहीं है? हाँ हाँ, हम ये कह रहे हैं कि ये बच्चा हमारा नहीं है। अगर कहो तो लाउड स्पीकर से सारे शहर में ऐलान करवा दें
आपको ये बात कहते हुए शर्म नहीं आती? शर्म तो हमें अब आ रही है कि हमने तुमसे शादी करके ऐसी गलती क्यों की। तो तलाक दे दीजिए। ये काम तो तुमने हमारे लिए बहुत आसान कर दिया। हम खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहते हैं कि हम तुम्हें तलाक देते हैं। तलाक, तलाक, तलाक। और ये रहा तुम्हारा मेहर। सुनिए, चुम्बन के हाथ मेरे जेवरात, अब मुझे पोते पर भिजवा दीजिए। जेवरात? किसके जेवरात? कैसे जेवरात? हमारे पास किसी के कोई जेवरात नहीं है। चलो बस मैं सुनता हूँ। मैं एक खोटे सिक्के की तरह घूम फिर कर अपनी माँ की हथेली पर आ गई, और इस बार अल्लाह मियाँ ने मेरी माँ की सुन ली। पुखराज पैदा हुई, पर पुखराज मेरी बेटी कम निकली, पर नबाई की नवासी ज्यादा। वो गुलजार को भाई नहीं नौकर चाकर समझती रही, उसकी उम्र पेशा समझने की नहीं थी, पर सड़क के बच्चों से सुन रखा था कि इसकी माँ पेशा कहती है और पेशा कोई बुरी चीज है। रात के सन्नाटे में मेरी और गुलजार की मुलाकात होती तो वो एक ही रट लगाता कि मुझे स्कूल भेज दो, मैं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा तो बड़ा आदमी कैसे बनूंगा। पढ़ूंगा पढ़ूंगा, जब देखो तो पढ़ता ही रहता, बड़ा होकर मोनिशा बनेगा क्या? अम्मा, पढ़ना लिखना कोई बुरी चीज है का? क्यों ना हम इसकी बात मान ले? हाँ, क्यों ना हम इसकी बात मान ले? अरे आज तक हमारे मोहल्ले में से कोई लड़का स्कूल में पढ़ने गया है क्या? आखिर बैठ के वही तो फरंगी ही बजानी पड़ेगी। क्यों ना उस्ताद जी को बुला के कुछ तालीम पाइए। फरंगी जरूर सिखलाइए, पर स्कूल भेजने में क्या हर्ज है? भेजो उसको स्कूल, भेजो जहन्नम में भेजो। वैसे भी मेरी बात कौन सुनता है घर? लेकिन मेरी माँ ने पन्ना भाई का कहा नहीं माना। मैंने किसी न किसी तरह बीए बीटेक कर ही लिया और सोचने बैठा कि अब मैं अपनी बहन को इस जन्म से निकाल ले जाऊंगा जिसमें मेरी मां मेरी पैदाइश से पहले ही जल रही है, और जिंदगी में आखिरी बार खुश होता हूं और जिस दिन मुझे किसी गांव के स्कूल में पढ़ाने की नौकरी मिली। कहां तशरीफ ले जा रहे हैं मियां जी? कहां जा रहे हैं? गोपालपुर। गोपालपुर? अरे गोपालपुर का तो मैं भी रहने वाला हूँ। बड़ी खुशी हुई आपसे। दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। शायर होने में यही तो एक खराबी है मियाँ कि शेर बार बार जबान पे आए जाते हैं। इसमें मुबारक मोहम्मद गुलजार बी ए बेटी। और मेरा नाम शेख अली हुसैन उर्फ छेदी मियाँ खंजर। छेदी मियाँ यूं कि जब ताबड़तोड़ मेरे पांच भाई पैदा होते ही मर गए तो किसी ने टोटका दी कि वो जिस तरह होता है ना कि हिंदुओं में सांड को दाग के छोड़ देते हैं तो बेटे को दाग के छोड़ दो। मेरा भी कान छेदिए गया और मैं छेदी मियाँ बन गया। गोपालपुर में कौन है आपका? कोई नहीं, गोपालपुर हायर सेकेंडरी स्कूल में टीचर होकर जा रहा हूँ। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, मेरा बेटा बिकू यानी मियाँ बाकर उसी स्कूल में पढ़ता है। शौक फरमाइए। जी नहीं, मैं पान नहीं खाता। कोई बात नहीं, वैसे जनाब रहने में बड़ी दिक्कत होगी, मकान मिलना बहुत मुश्किल है। आपके साथ आपके घर वाले भी तो आए होंगे? जी नहीं। घर में कौन कौन है? अम्मा है,
और एक छोटी बहन। और जी इतना से तो शौक फरमाइए, बहुत अच्छा ही तरह। कीजिए वरना ये सर पर चढ़ जाएंगे बड़े हजरत से। और हाँ, आप हाथ में धो लीजिए तो इनकी मैं आपको ताजा गजल सुनवाता। अच्छा बेटे, आप जाकर के अम्मी से कहिए कि गुलजारिया का हाथ में धो लेते हैं, पानी गर्म कर दे। आज गांव में गोश्त भरा रहा नहीं। ठीक है ठीक है, जाकर सितारा से कहो कि अंडे और हर्षद का हाथ ना बना दे। ये तो खामा का तकलीफ कर रहे हैं आप। अरे नहीं साहब, तकलीफ उठाने का शौक है और मुझसे ज्यादा घर वालों का है। अरे बिक्कू, अरे बिक्कू, मैं भी हाजिर हुआ है। बिक्कू बेटे ये रखना। मैं पूछती हूँ, एक दमे से सत्यादय होता। अरे बरसाती बेगम, बरसने से पहले बात तो सुनो। कहो। एक तो कमरा था उसे भी आहिस्ता बोलने की बात। कमारा है, कहीं और जाने देता तो मिर्जा साहब की जाती थी। अब हाँ, अब बताओ ठीक से। हवा के घोड़े पर सवार होकर बात मत किया करो हमसे। रेल में मिला था और जो ही पता चला कि कुमारा है, फिर समझे तकलीफ सूझी। सोचा तो उसे कहीं जाने ही ना दो। और हाँ, तुम जरा मिर्जाई यहाँ चले जाना और बातों बातों में ये बात वादा कर देना कि गुलजार हमारा दूर का रिश्तेदार है, ताकि वो उसके बारे में कोई इरादा ही ना करे। तुम उनसे ये कह देना कि गुलजार के हम दूर के चचा हैं, मामू हैं दूर के, और मेरा ख्याल है कि तुम अब गुलजार से पर्दा कम कर ही दो। है पर्दा कैसे हटा दे? हर वक्त आके के पीछे झूठी लेके दौड़ती रहती हो। अरे दमाद से क्या पड़ता? दमाद? अरे आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। और हाँ, अब तुम बावर्ची खाने में जाके उसके लिए कुछ पका दो। इन खूबसूरत खूबसूरत हाथों से। चलो बेटा, ये तुम्हारी तबीयत। जीते रहो, खुश रहो। बस बस बस, पूरी दुआ का इंतजार किया तो खाना ठंडा हो जाएगा। खैरियत का पूरा खत सुनाए बगैर मानती नहीं। हाँ बेटा, निकालो बेटा, बिस्मिल्लाह। अम्मा के गैस वाला ग्लास है ना, उसका सेट दो। संभाल के ले जाइयो। अरे बिक्कू पानी लाओ बेटा। आ रहे हैं। बिक्कू भी माशाल्लाह से बड़े अच्छे से कह लेते हैं। मियां,
भाई को वो गजल सुना दो, शहर हो गई नजर हो गई है। मौलवी अब्दुल हक नाशाद चिड़ियाकोटी ने इनकी गजल सुन के भरे मुशायरे में अपनी तरह खबर फाड़ के फेंक दी, और हकीकत तो यह है कि हमें भी मजा आ जाए। अच्छा बेटा बिल्ला इरशाद, जो जो थी बुलबुल वो एक मुश्त पर हो गई, इसकी दास्ता मुख्तसर हो गई। वाह वाह, शेख मस्जिद में तन्हा खड़े रह गए, जिस तरफ वो था दुनिया उधर हो गई। वाह वाह वाह, गजल मुई ना भागी जा रही है कहीं, खाना खा ले दो बेचारे को जब से। ही बाप बेटे में यह खराबी, भिक्खू के मामू को जब हम बुलाते बुलाते थक गए तो एक दिन बेचारा जी कड़ा करके इनके सामने कह दे, बुबू कैसे आए आपके घर, दूल्हा भाई गजल सुना सुना के खुदा ना खासा मार डालेंगे। नहीं जा रहे थे ना जी? नहीं, बाजार में इससे दुबली कोई किताब नहीं मिली। कैसे तुम लोग इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ते हो? हम तो भैया चौथे से आगे नहीं ज्यादा पढ़ा, जी नहीं लगा। पर बिक्कू को बीए पास कराने का रहता है, मेरा बस चलता है ना तो मैं सितारा को बीए पास कराता, लेकिन क्या करूं, इस ससुरी गोपालपुर में लड़कियों का स्कूल नहीं है। गुलजार में तुम थोड़ा सा वक्त निकाल के सितारा को पढ़ा दिया करते तो। जरूर साहब, मुझे तो खुशी होगी। तुमसे ज्यादा खुशी तो बेचारी सितारा को होगी। जरा फिर से पढ़िए। जब माँ करते हो क्यों रकीबों को, ये तमाशा हुआ ये लाना हुआ। तालिब साहब फरमाते हैं अपने महबूब से कि अगर तुम्हें आशिक से कोई शिकायत है तो शिकायत करने के लिए भीड़ क्यों लगा रहे हो? ये तो कोई शिकायत नहीं हुई, क्योंकि इश्क की बात कहीं दुनिया के सामने की जाती है। गालिब कहते हैं कि माशूक दरअसल भीड़ लगाकर आशिक से शिकायत नहीं कर रहा है, वो तो इश्क और आशिक का मजाक उड़ा रहा है। गालिब साहब अपने इश्क की शायरी में बहुत बेबाक हैं। गालिब की इश्क की शायरी तन बदन की शायरी है, इसमें अल्लाह और बंदे की बात तलाश करना सही नहीं। ए बुबू, हमें चौवन्नी दो, तुम आपको बड़ी मजेदार बात सुनाएंगे। खुदा के वास्ते तुम जाओ बिकू, हमें पढ़ना है। ठीक है, मत सुनिए, बताएंगे हम दीवार से बात करेंगे। ए दीवार, अब्बा अम्मा में मार्ट साहब और बुबू के ब्याह की बात हो रही है। हम मार देंगे बिकू। हमने तो सहरा भी लिखना शुरू कर दिया है बुबू। रुख पे बुबू के बंधा है जो प्यारा सहरा, चांद सहरा। ख्याल नहीं कि आवाज कहाँ कहाँ जा रही होगी। हमार गुजार मिया, यानी आप बिक्कू को आवाज देते ही कमीज अंदर नहीं भेज सकते थे? आपकी चची जान ये सितारा बदन साफ देती, लाइए सुनिए। मगर फिर वही यार, मगर इतनी जल्दी भूल गए मुमताज भाई नाशाद गोपालपुरी मरहूम की शायरी वाली बात? चौकी की दाल चढ़ा दी हो तब तक, हम हकीम साहब के पास से होके आ रहे हैं तुरंत। तेरी आवाज के पास दूसरे बटन कहा देना, मुकरे कमरा में घूमे चले गए तो कहा देखते हैं कि सुई में तागा डाल रहे, देखे का मंजर रहा, सुई यहाँ सब तागा वहाँ। हम तेरी दुकान जा रहे हैं, तुम ताक के खुद ले लेना। हम तो
उसको और कौन देगा? वो अलग नहीं है बेटा, गुल्लन मतलब ये कि गुलजार से क्या पता? गुलजार के नन्ना और हमारी नानी अम्मा खालाजाद चचेजाद बहने थी, और हमारी नन्ना उनकी दुकान खुलने में देर हो रही है अब्बा। दुकान खुलने में देर हो रही है। मैं ऐसे भिजवा दिया होगा। अम्मा के साथ गया है। यानी अम्मा गुलजार मियां है? अच्छा भैया हम शाम को आ जाते हैं। हाँ हम आप यहाँ आ जाएंगे। बेटी सितारा, अरे ओ सितारा बेटी, आज तो समझो कि जबरदस्ती की छुट्टी हो गई। दुकान पहुंचा तो मालूम भैया की हड़ताल है। ए महीना में आठवीं हड़ताल है। अब तुम ही बताओ बेटी, हम दुकानदार आदमी थे तो इस लाइट बोल सकते नहीं सकते, समझती हो तुम? खातिर वातिर कर बेटा, खड़ी रहती है। अमां गुलजार मियां, अमां हो गुलजार मियां जी, अमां आज तो तुम्हारी छुट्टी है ना। अरे हाँ तो इस शतरंज हो जाए यार। मैं आ जाऊं? अमां कमाल करते हैं, आप कोई गैर थोड़ी हैं। तशरीफ लाइए, आइए आइए, शर्माइए नहीं। हाँ आइए, तशरीफ रखिए, मैं बैठ जाइए। अरे बेटी सितारा, जरा शतरंज निकाल देना। कमरे में है। वो तो हमें भी मालूम है, हम निकालने को कह रहे हैं। अरे अपने गुलजार मियां से क्या पर्दा बेटा, ले आओ। क्या गजब के शेर कहती है मेरी सितारा। खाना पकाना, सिलाई कढ़ाई, शायरी, अब किसी लड़की में कितनी खूबियां तो होती नहीं। सितारा तुम गुलजार मियां की अपनी वो नई वाली गजल सुनाए दो। अरे शर्मा रही हो, ये अपने इनसे क्या पर्दा बेटा, गजल सुन के फड़क न जाओ तो शर्त है। हमसे मौली अली अहमद कलीम चश्मे अहमद स्कूल वाले बहुत कहें, इस सितारा को ऑल इंडिया मुशायरे में भेज दो, बाकी हम तस से मत नहीं रहे। अरे सितारा का मुशायरे में क्या काम? हाँ घर में शेरो शायरी सुन सुना लेना, कह लेना और बात है। बेटा अब तुम अपनी नई वाली गजल फटाफट सुना दो। हमारा भाई शेरिया है? हाँ है। अच्छा बेटा तुम गजल सुनो, हम अभी आए रहे हैं। अल्लाह मुझे तो शेर कहना कभी नहीं आया, कैसे कह जाते हैं शेर? हम का जाने शेर कहती है। और कोई दिल के अंदर से कहता है लिखो, बस हम लिख लेते हैं। कौन कहता है दिल के अंदर से? क्या पता। हंजर साहब ने बड़ी देर लगा दी, मैं भी चलता हूं। सुनिए आपका रुमाल, ये फूल किसने काटा? हमारे अम्मा ने। बहुत खूबसूरत है। अम्मा भी बड़ी खूबसूरत है। ये फूल उतारने के लिए आज अपने पास रख लूं? जरूर। मिर्जा साहब, वो सोहरा बेटी के रिश्ते क्या हुआ? रिश्ता तो परछाई हो गया है छेदी मियां, सामने है मगर हाथ नहीं आता। हम शरीफ लोग हैं, जवान बेटी का फोटो तो अखबार में छपा नहीं करें। सितारा बेटी की शादी तो अल्लाह के फजल से समझिए कि तय हो गई। गुलजार से मिलेंगे तो जी खुश हो जाए। क्या लड़का है। ये नौकरी तो उसने शौकिया कर ली है। दादा रिटायर्ड जज हैं, बाप पुलिस में सर्किल इंस्पेक्टर हैं,
बाकी गुलजार मियां अलग है कि नहीं साहब हम तो पढ़ाएंगे। बाप ने कहा ठीक है अलीगढ़ में प्रोफेसर लगवा देते हैं। मगर वारे गुलजार मियां कहने लगे कि नहीं साहब हम तो बच्चों को पढ़ाएंगे स्कूल में पढ़ाएंगे। अपना अपना शौक है। कल ही गुलजार मियां के वालिद साहब का खत आया था। लिखा था छिदी मियां जरा बच्चे का ख्याल रखिएगा और उसी खत में घुमा फिरा के रिश्ते की बात भी थी। चलो अच्छा हुआ भाई अब तुम सितारा के फर्ज से बहुत जल्द ही सुबुकदोश हो जाओगे। जी हाँ हम लोग यही कर सकते हैं ना कि अच्छा घर दे के ब्याह दे बाकी वो जाने और उनकी किस्मत। सितारा जी अम्मा तुरे अब्बा कहें हैं कि गुलजार मियां के तकियन के खिलाफ एकदम ही सादा है तनी जो ठुकार दे उनके वास्ते भी।
सितारा, हम तनी हकीम साहब के यहाँ जा रहे हैं, ध्यान रखना। इस दीवार पे अगर हरा कागज लग जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। मेहरबानी करके आप अपना काम कीजिए ना। जी। स्कूल के मास्टर जब ये घर देखेंगे बिल्कुल चकरा जाएंगे। हमारा फर्स्ट प्राइज तो कोई रोके नहीं सकता। देखो मियां, इस खिड़की और दरवाजे पे कागज के बजाय अगर रंगीन शीशे लग जाए तो और मजा आएगा। हाँ, और जब बत्ती चलेगी तो घर झकझक करने लगेगा। लेकिन बिक्कू मियां, बैटरी कहाँ है? हम अभी ले आ जाए। बिक्कू, मजाक मजाक में एक घर तो बहुत ही अच्छा बन गया है। आपका घर कहाँ है जी? ये रहा। दस्ती का घर है आपका जी? मैं तो आदमी भी दस्ती का हूँ। सिनेमा आ रहा है अमर डाके, हम तो वही पहले ही दिन जाएंगे देखने। क्यों माचा, आप आएंगे ना? जी, आपने कभी सिनेमा देखा है? नॉन, मैं कहे देखने की लगी अलीमा सलीमा। अरे सितारा की अम्मा ओल ख्यालों की है। ये वुमन नो गो। देखो जी, तू हमारे सामने अंग्रेजी मत बगारा करो। मेरे कहने का मतलब ये है कि सिनेमा देखना गुनाह है और तुम नहीं जाओगे। अरे जाए हमारे दुश्मन। दुक्कू मियां, सिनेमा जाओगे तो अम्मा के दुश्मनों में गिने जाओगे। हाँ, बिक्कू और सितारा को भेज दें। हम तो ताकयामत न भेजेंगे सितारा को बिक्कू के साथ कहीं। ये बेमौत का कुछ ठीक है? गुड्डी लूटे को दौड़ जाइए और बहन को भूल जाइए। तो गुलजारमियां को साथ कर देते हैं। और क्या, इन्हें कोई और काम तो ना। मेरा मतलब है कि दोनों बच्चे हैं ना, तो एक किसी का अफसाना में
मेरे एक सवाल का जवाब अब तक कर दे। कैसा सवाल? फिल्म कैसी थी? क्या किसी शहर या गांव में जिंदगी इतनी खूबसूरत होती है? ना। फिर क्या? फिर कुछ नहीं, ढाई घंटे के बाद खेल खत्म, पैसा हजम। पर उस लड़की बेचारी ने अपने प्यार के खातिर इतना कुछ सहा, उसका कुछ मतलब नहीं? उस कमबख्त ने क्या सहा, ऊपर से तीन गाने गा लिए, ये प्यार थोड़ी है। तो फिर प्यार क्या होता है? प्यार शायद इसी का नाम मोहब्बत है शेरदा। एक आग सी है सीने के अंदर लगी हुई। जी आदाब। ठीक रहो। कल मैं तुमसे बताना ये भूल ही गया कि मिर्जा साहब ने तुम्हें खाने पर बुलाया है। मुझे? और हम उनसे कह दिया है कि तुम खाने पर जरूर जाओगे। मिर्जा साहब वो तो स्कूल कमेटी के प्रेसिडेंट है ना? हाँ, पर वो एक प्रेसिडेंट, मैं एक मामूली स्कूल टीचर, मुझे खाने पर बुलाया? कैसा टीचर और कैसा प्रेसिडेंट मियां, एक लड़की के बाप ने लड़की को खाने पर बुलाया है। तुमने हमारी सितारा को देखा है ना? बाकी एक डबल खराबी है इस लड़की में, और वो खराबी ये है कि उसका बाप एक गरीब मुसलमान है। और आजकल मुसलमान लड़कों का भाव भी तो बहुत बढ़ गया है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि जिम्मेदारी सरकार ने खत्म करके शरीफों पर वार किया है, छुट भैयों की बनाई है। मगर मैं ये कहता हूं कि इस मुल्क का कारोबार जिम्मेदारों के बगैर चल ही नहीं सकता। दो चार बरस ही में देख लीजिएगा, हाथ जोड़ की जिम्मेदारी वापस लौटाई जाएगी। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने? क्या बात करते हो छेदी मियां, जिम्मेदारी चली गई तो क्या हुआ? क्या हम लोग भिकमंगे हो गए? हमारे पास अगले वक्तों की अभी बहुत सी कुर्चन बाकी है। परसों ही की बात है, सोहरा के लिए एक IAS लड़के का पैगाम आया, मैंने साफ इनकार कर दिया। नहीं बयानी मुझे अपनी लड़की किसी ऐसे घर में जहां नया नया पैसा आया हो। मुझे तो कोई गरीब और शरीफ लड़का चाहिए। मैंने सोहरा के जहेज के लिए एक कार भी बुक करा दी है, रेडियो वेडियो तो खैर दूंगा ही, और आपको तो मालूम है कि प्रतापगढ़ वाली कोठी पहले से सोहरा के नाम है। 300 रुपये महीना किराया उसका आता है। मैं जब चाहूं किराएदार से खाली करा के उसमें एक स्कूल खोल सकता हूं। स्कूल से हाई स्कूल, हाई स्कूल से इंटर कॉलेज, इंटर कॉलेज से डिग्री कॉलेज बन सकता है, क्योंकि सोहरा की वो कोठी 30 एकड़ जमीन में है। देखा मिर्जा साहब को? सुनी उनकी लंबी चौड़ी बातें? पैसे वाले हैं, जो चाहे सब बात दिखला दे। और हम ऐसे लोग तुम्हें दे भी क्या सकते हैं। खंजर साहब, आप मिर्जा साहब से कह दीजिए मैं उनकी बेटी से शादी नहीं करूंगा। खुदा तुम्हें सलामत रखे बेटे। तुमने मेरे सीने का फूस हल्का कर दिया, फूस हल्का कर दिया। खुदा तुम्हें सलामत रखे। तुम अपनी तरफ से फर्ज करके कह रहे हो कि गुलजार उकारी भरी ने? कमाल करती हो। अब वो ये खुद से तो नहीं कह सकता कि सितारा से शादी करना चाहता है, मगर इशारों इशारों में बातें हो गईं। तुम तैयारी शुरू करो। तैयारी के वास्ते घर में कारून का खजाना धरा है ना? 2 थान सोने का और 5 थान चांदी का हमरा गहना है, उनको साफ करवा लेते हैं, 1-8 थान और बनवा लेंगे। तांबे का बर्तन भी हमरे जहेज का जस का तस रखा है, वो दे देंगे। हाँ, कपड़ा बनवाए को पड़ेगा। 20 जोड़ा नहीं तो कम से कम 11 जोड़ा तो चाहिए ना? तुम अक्सर बातें ठीक कहती हो। हाँ तो जनाब खंजर साहब, अब जरा आप शह बचाइए।
अकेले खेल रहे हैं आप? अकेले अकेले खेलने में बड़ा फायदा है मियां। आदमी अपने आप से जीतता भी है पर आदमी अपने आप से हारता भी है। कहां का चक्कर लगाए? बस जरा यूं चला गया था। ये क्या? सितारा की शादी कुछ कार्ड्स हैं। जनाब बिकू मियां को ये पसंद है और सितारा की वालदा को ये। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तुम्हें क्या पसंद है? देखो देखो कौन सा पसंद है। कहां लगी सितारा की शादी? अब फांसी का जमाना तो रहा नहीं। एक सादा सा मजमून लिखा है, सुनो। आपको ये जानकर खुशी होगी कि मेरी बेटी सितारा का निकाह बतारी फलां बरोज फलां 1951 बवक्त फलां मियां मोहम्मद गुलजार सलमहू बीए बीटी लीग इब्ने बिरादर मोहतरम साकिन फलां से होना करार पाया है। आपसे दरखास्त है कि आप इसमें शिरकत फरमाएं। ठीक है ना? तुम्हारे वालिद का नाम नहीं मालूम था इसलिए ये जगह छोड़ दी है। वो तो मुझे भी नहीं मालूम। मैं गाजीपुर की तवाइफ शमशाद जान का बेटा हूं। अंदर जाओ। नदिहाज दुश्मन गैर मक के कमरे में दंदनाती हुई चली आई। बेशर्म खुल गया है। अब तो तुम्हें मुझसे नफरत हो गई होगी ना? एक कस्सा सुनो। वो जो सोगरा है ना जिसे मुद्दा साहब आपकी नस्बत लगाना चाहते थे, उसकी बुआ जी आपके ही अलीगढ़ के कॉलेज की लड़कियों को पढ़ाती है। बहसाल गर्मी में यहां आई थी, बीए की कॉपियां लाई थी देखने के लिए। एक दिन कॉपी देखते देखते अचानक हंस पड़ी। मैंने पूछा क्या है बाजी, तो बोली एक लड़की ने मजेदार मतलब लिखा है। वालिद का शेर था फारसी में, मुझे वो शेर तो याद नहीं लेकिन इसका मतलब याद है। वालिद से फरमाते हैं कि बाप दादा का नाम तो मामूली रोजमर्रा की बातों में पूछा जाता है पर हम तो आशिक हैं और इश्क में बाप दादा का नाम नहीं पूछते। मैं क्या करता, मेरे और मेरे प्यार के बीच मेरी पैदाइश आ गई, उसे कैसे हटाऊं? करके गाजीपुर वापस चला आया कि ये शहर मेरा पालना भी है और मेरी कब्र भी। अपनी कब्र से कहां तक भागता
मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि अल्लाह मियां भी खानदान देखकर तकदीरें लिखता है, और मेरे हिस्से में तो लगता है कि कोई तकदीर ही नहीं आई। मेरी सूरत देखते ही मेरी मां समझ गई कि मैं मर चुका हूं, और मेरी बहन पुखराज पुखराज मेरी बात तो सुनो। कुछ सुनने का नहीं, आप अपने काम पर जाइए, मुझे अपना काम करने दीजिए। पुखराज अब ये तो तेरी ज्यादती है। ज्यादती की क्या बात है? अरे हम तो कह रहे हैं भैया कि छोड़ो ये सब चक्कर, अभी भी सारंगी बजाना शुरू कर दो तो नाम हो जाएगा तुम्हारा। कोठे की तवारीख में पहले भी बीजी सारंगी हो गए। मोहम्मद गुलजार आपका खत, मोहम्मद गुलजार आपका खत। पता नहीं ऐसे खत कैसे शुरू किए जाते हैं। आप तो चुपचाप हार मानकर चले गए, लेकिन आपके जाने के बाद घर में कुछ दिनों तक सन्नाटा ही सन्नाटा रहा। न किसी ने मुझसे कुछ कहा, न मैंने किसी से कुछ कहा। घर वही है पर लगता है घर नहीं कब्रिस्तान है। अब्बा अब्बा खाना खा लीजिए। भूखना है बेटा। हाँ, भूखना। अरे भूख हड़ताल करे से तू बड़े आदमी ना बन जाओगे। आदमी दबड़ी की हड्डी लेता है तो उसे भी ठोक बजा कर देखता है, पर इनने दावा की ऐसी जल्दी के वो भोगती रह गई। पर पूरी कौन सुनता है, रिश्तेदारों बन गए। बीवी बेटी का पर्दावा उठवा दिया, शेरीबा भी भेज दिया। वो तो पुराने फैशन की हूं ना। अल्लाह तौफीक दे तो अखलाक नाना के यहाँ से जो पयाम आया उसे कबूल लो। मुताज भाई दोहा जो है तो काम है, साथ ही पोते वाले हैं तो हुआ करें। अपने तो है ताने तो ना दे है। मैं ये शादी नहीं करूंगी। मुताज हुसैन फारूकी वल शेख इखलाक हुसैन फारूकी से बाइबज मुबलिक 535 रुपए 10 आने सिक्के रायजुल वक्त तुम्हारा निकाह पढ़ाया जाता है, क्या तुम्हें मंजूर है? बोलो क्या तुम्हें मंजूर है? जल्दी से बोल दो बेटी, मंजूर। बोलो मंजूर है तुम्हें? बुबू कह दो ना मंजूर है। मुझे मंजूर नहीं। सितारा इस तरह जिंदगी बर्बाद नहीं करते बेटी, जल्दी से हाँ कहते बेटी, हाँ कहते। नहीं मुझे मंजूर नहीं। क्यों तू पैदा होती पर नहीं गई? क्यों तू अभी तक जिंदा है? क्यों तू मरती नहीं? पानी मिलेगा अम्मा? हाँ देती हूँ। तो बेटा देखो कैसे धूल उड़ रही है बालों में, ये रात रात भर कहाँ भटकते रहते हो बेटा? यही नहीं आती।
कल मैंने अखबार में नौकरी का इश्तिहार देखा। नौकरी का कीड़ा फिर रेंगने लगा आपके सिर में। नौकरी तो करनी ही पड़ेगी पुखराज, तुम्हारी शादी करनी है, तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। भाईजान आप मेरे बारे में मत सोचा कीजिए। देखिए ना माँ, पुखराज समझती क्यों नहीं? पुखराज आप लोगों की तरह पागल नहीं हुई अभी। मेरी नानी की नानी जो थी, मैं वही हूँ, वही रहूंगी। बदलना हमारी किस्मत में नहीं, क्या मिला अम्मा को बदलने से? पुखराज तुम्हारा भाई जिंदा है अभी तक, चाहे जितनी मुसीबत उठानी पड़े मैं उठाऊंगा, लेकिन जितना अब तक हमारे पेशानी पर लगता है मैं तुम्हारे पेशानी पर लगने नहीं दूंगा। इस पर तो सुहा की बिंदिया चमकेगी मेरी बहन, शरीफ लड़कियों की तरह। शरीफ कौन कहेगा, कौन मानेगा? मैं अपने बाप का नाम क्या बताऊंगी, तुम अपने बाप का नाम क्या बताओगे? हाँ मुझे नानी अम्मा के वो अल्फाज अभी तक याद है जो मरते वक्त उन्होंने मुझसे कहे थे, मैं एक एक से बदला लूंगी। एक बात सुनो अम्मा, ये मेरे बाप का शहर है ना, और मेरा बाप यहाँ का एक इज्जतदार आदमी है। इसी शहर में मेरी नस नहीं उतरी तो जीने का कोई मतलब ही नहीं है। अम्मा वो रस्म कब मनाई जाएगी, कब नस उतराई होगी माँ, कब इज्जत का सौदा किया जाएगा हम बेइज्जतों का उन इज्जत वालों के साथ? बोलिए ना अम्मा। सरकार आपसे मिले वास्ते एक औरत आई है। औरत? कौन औरत? पता नहीं सरकार, बुरखा पहने हैं। कनीज तस्लीम करती है। मैंने पहचाना नहीं आपको। मैं पुखराज हूँ। पुखराज? अब भी नहीं पहचाना मैंने। शमशाद जान को तो आप जरूर जानते होंगे, मैं उन्हीं की बेटी हूँ पुखराज। मैं अगले जुम्मे को नथ पहनने वाली हूँ। उम्मीद है कि शहर के दस्तूर के मुताबिक आप मेरी नथ उतारने जरूर तशरीफ लाएंगे। नहीं 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 नहीं, ठहरो ठहरो, मेरी बात तो सुनो पुखराज। पुखराज भूलिए मत, अगले जुम्मे को मैं आप ही का इंतजार करूंगी। नहीं नहीं जुम्मन, जुम्मन रोको इसे, नहीं जुम्मन। चूना लगाए के लड़की है कि तूफान में, अरे धनधनाती हुई खान साहब की कोठी में पहुंच गई और बोली। अब पूछो का बोली, का बोली? बोली हमरी नत उतारे के लिए जरूर आना, सुना है सारे शहर की नत आप ही उतारते हैं चूना लगा के। अब अकेले खान साहब तो छत पटा के रह गए होंगे। और क्या भैया, तवाइफ तवाइफ होती है, शराफत का खून तो है। क्या बात सही है। अरे वहाँ कहाँ थूकती है, शरीफ आदमी जा रहा है चूना लगाएंगे। एक मिनट के लिए जरा फरमाइए। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारी वालदा के साथ बड़ी नाइंसाफियां की हैं बेटा। मेहरबानी करके मुझे बेटा ना कहिए। ठीक है, लेकिन मैं यहां जिस काम के लिए आया हूं वो ये है, जब तुम्हारी वालदा के साथ हमारी लड़ाई हुई थी तो वो ये जेवरात ले जाना भूल गई थी, ये उनकी अमानत है, उन्हें वापस कर दो। तुमसे एक जरूरी बात भी करनी थी, तुम्हें तो मालूम ही है कि पुखराज मेरी लड़की है और सारा शहर भी जानता है, अगर पुखराज कोठे पर बैठेगी तो मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। आपकी इज्जत? आपकी इज्जत है ही क्या जो खाक में मिल जाएगी? आप एक नेहत जलील आदमी है, आप तो इसी लायक नहीं कि आपकी बेटी पेशाई करे, पर मैं एक शरीफ आदमी हूं, शरीफ आदमियों की बहन पेशा नहीं करती, करेगी भी नहीं।
आप दोनों बाहर चले जाएं। यहां क्या करने आए हैं? पुखराज, मैं तुम्हें समझाने आया हूं। समझने समझाने का वक्त नहीं है मेरे पास। आप इस कमरे से बाहर चले जाइए। पुखराज, मेरी बात तो सुनो। इस रास्ते पर मत जाओ पुखराज। मैं ही चाहता हूं कि तुम एक अच्छी जिंदगी गुजारो। पुखराज, मैं कब से ख्वाब देख रहा था, मेरा एक अपना एक छोटा सा घर, उस घर में तेरी शादी हो, वहां बाबुल गाए जाएं और बाबुल सुनकर खुशी से रहूं। वक्त नहीं है मेरे पास बकवास सुनने के लिए। निकल जाइए यहां से, मुझे तैयार होना। मेरा कहां मान, ये पेशा। क्या बुराई है इस पेशे में? मेरी अम्मा यही काम करती थी, मेरी नानी परनानी सब यही काम करती थी, मैं उनसे अलग नहीं हूं। मैं कहता हूं कि तुम ये काम नहीं करोगी। आप कौन है मुझे कहने वाले? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। आप सिर्फ मेरे सारंगी हैं। इस हैसियत में रहना हो तो रहिए, नहीं तो निकल जाइए। क्या कहा? हाँ हाँ, आप इस घर में नौकर हैं और नौकर के सिवा कुछ नहीं। क्या कहा? क्या कहा? गुलजार, गुलजार, दरवाजा खोलो बेटा, दरवाजा खोलो, गुलजार, गुलजार, मेरी बात सुनो। खुदा के वास्ते अपनी अम्मी की बात मानो। दरवाजा खोलो गुलजार, गुलजार, दरवाजा खोलो गुलजार, गुलजार, मेरी बात मानो गुलजार, गुलजार, दरवाजा खोलो गुलजार। पुखराज, पुखराज, मेरी बच्ची, मेरी बेटी, पुखराज, पुखराज। तुम्हारी बेटी पैसा नहीं खाएगी, मेरी बहन पैसा नहीं खाएगी, मेरी बहन कभी पैसा नहीं करेगी, मेरी बहन पैसा नहीं करेगी, मैं करेगी। वजह चाहे कुछ भी हो, किसी को किसी की जान लेने का कोई हक नहीं है। इसलिए गवाहों के बयानात को और जूरी की राय को मद्देनजर रखते हुए अदालत मोहम्मद गुलजार को पुखराज का कातिल करार देती है। हजरात हिंद दफा 302 के तहत मुजरिम को सजाए मौत दी जाती है। थैंक यू योर ऑनर। रोइए मत अम्मा, रोइए नहीं,
बेटे, मैं कहाँ रो रही हूँ? मुझे तो नाज है तुम पर, मेरा सर तुमने ऊंचा कर दिया है बेटे, मैं कहाँ रो रही हूँ? एक बात कहूँ अम्मा, अगर अल्लाह ताला मेरे जिस्म में दोबारा जान डाल दे और कहे मांग, क्या मांगते हो, तो जानती हो अम्मा मैं क्या मांगूंगा? आप जैसी अम्मा और पुखरा जैसी बहन मांगूंगा अपने खुदा से, और दुआ करूंगा मेरी वो पैदाइश मेरी और सितारा के बीच कभी दीवार बनकर खड़े ना हो। ये अपनी जिंदा लाश को उठाए फिर रही है जो गले से अपनी मौत को लगाए फिर रही है जो की भीख मांगती है पहले हिंद से बचाना चाहती है अपनी जिंदगी को जहर से जमाने के सुलूक से ये तंग आके भूख से का इंसाफ करते हैं। आपकी जगह कोई और होता तो यूं अपने बेटे को फांसी की सजा थोड़ी ही देता। गुलजार के साथ होना इंसाफी करने के बाद मैंने जज से इस्तीफा दे दिया है। ये मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा हाय उसूद पशिमा का पशिमा होना तशरीफ नहीं रखेंगे आप? आज कनीज का गाना सुनेंगे तो बहुत लुत्फ आएगा। लौंडी की आवाज का दर्द बढ़ गया है। हेलो, आपको ही बता रही हूँ, ये दर्द तो आप ही का दिया हुआ है। अपने ही फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए मैंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है शमशाद। आपकी फीस के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगी? मैं तुमसे फीस मांगने नहीं आया हूँ। ना साहब, मेरा बेटा खैरात की जिंदगी नहीं जिएगा। अगर मेरे बेटे की वकालत करनी है तो फीस लेनी ही पड़ेगी। मैं गाने नाचने का काम फिर से शुरू करूंगी, पर मेरे गुलजार को जिंदगी से ज्यादा एक बाप की जरूरत है। मर जाने दीजिए उसे, अगर बच गया तो फिर बाप के लिए तरसना शुरू कर देगा। वो तो पागल है सरकार, जो चीज उसे नहीं
नहीं मिल सकती, उसी के लिए तरसता रहता है। तेरे मुन्ने, मैं रोई नहीं। तुम्हें याद है तुम्हारी नानी कैसे हम दोनों को मिलने नहीं देती थी और कैसे नानी की आंख से बचकर हम मां बेटे रात के अंधेरे में मिलते थे। योर लॉर्डशिप, सरकार बनाम गुलजार की फाइल में एक गलती है, उसमें गुलजार वल्द नामालूम लिखा हुआ है। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि यह गलती दूर की जाए, क्योंकि गुलजार किसी नामालूम आदमी का बेटा नहीं है, गुलजार मेरा बेटा है। गुलजार एक शरीफ माँ और एक गैर जिम्मेदार बाप का शरीफ बेटा है। गाजीपुर के डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज की हैसियत से मैंने गुलजार को मौत की सजा इसलिए दी थी कि वही सजा इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम है। अपने आबरू की हिफाजत करने का पैदाइशी हक हर शरीफ आदमी को है, और अगर अपने आबरू बचाते बचाते उसके हाथ से किसी का खून हुआ तो इसका यह मतलब नहीं कि उसे मौत की सजा दे दी जाए। योर लॉर्डशिप, गुलजार ने अपनी बहन पुखराज को तवायफ बनने की जिल्लत से बचाया। अगर यह जुर्म है तो दुनिया की तमाम जुबानों से इज्जत, शराफत, पाकीज़गी जैसे लफ्जों को निकाल दिए जाने का हुक्म भी दीजिए।
बेटे, मेरे मुन्ने, मेरी अम्मा, शमशाद, देखो भाई हम अपने बेटे को छुड़ा लाए। इतने दिनों के बाद अपने बेटे को मिले हो, अब तो गुम नहीं होगे ना? पक्का वादा कर रहे हो? गुलजार, मैंने तेरे लिए बड़ी लोरियां गाई है, अब मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं थक गई हूँ। जागते जागते, लड़ते लड़ते, हारते हारते। अम्मा, शमशाद, अम्मा, शमशाद, ना, अम्मा, 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 अम्मा। लिए नहीं, अपने जैसे तमाम गुलजारों के लिए बाप की तलाश है जनाब। घर ले चलो, मेरा कोई घर ही नहीं, घर तो मेरा भी नहीं, तो चलो हम दोनों मिलकर एक नया घर बनाएं।